हिमाचल प्रदेश में मौजूद हैं। चुनाव का जिस तरह से माहौल है, शिमला जो कि पहाड़ों की रानी भी बोला जाता है, हमारे बीच जो प्रचार का जनसंपर्क अभियान चल रहा है उसमें उत्तराखंड की महिला मोर्चा अध्यक्ष आशा जी कैसे देखते हैं, एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है कमल खिलाने के लिए। देखो, हम कई दिनों से यहाँ पूरे शिमला ठियो कई विधानसभाओं में घूम रहे हैं। महिलाओं में बहुत उत्साह है मोदी जी के प्रति और भाजपा के प्रति, और शिमला सरकार ने जो यहाँ पर महिलाओं के लिए और आम लोगों के लिए काम किए हैं उसके प्रति लोगों में बहुत उत्साह। मैनिफेस्टो भी अभी संकल्प पत्र घोषणा पत्र जारी हुआ है, महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है, 11 अलग से बिंदुओं पर फोकस किया गया है। देखिए, पूरे देश में मोदी जी जिस तरह से महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं वाकई बहुत ही तारीफ योग्य कदम है उनका। और आज जब से मोदी जी इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री बने हैं, महिलाएं अपने अपने क्षेत्रों में बहुत आगे बढ़ी हैं, बहुत काम कर रही हैं, और स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से, एनजीओज के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को रोजगार मिला है, और बहुत उत्साह से महिलाओं में बहुत उत्साह है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी। तो ये थी आशा नहलिया, इन्होंने बताया किस तरह से महिलाओं का योगदान है और यहाँ पर निश्चित कमल खिलाने के लिए महिला शक्ति लगी हुई है। जिस तरह से आप देख सकते हैं पुष्कर सिंह धाम, मोदी जी ने जो है लोगों के लिए, जो महिलाएं हैं उनके लिए इतने अवसर प्रदान किए हैं कि अब वो इतना आगे बढ़ रही हैं, जो कि हमें पहले समाज में नहीं दिखता था कि समाज में उनको आगे जगह नहीं दी जाती थी, अब परिवार में भी और समाज में भी जो है उनके उत्थान के लिए जो कार्य हो रहे हैं उसके उसमें वो बिल्कुल भरपूर आनंद ले रही हैं और भरपूर उसका फ़ायदा उठा रही हैं। सभी जो कार्यक्रम जो हैं जिसमें वो आर्थिक रूप से भी, सामाजिक रूप से भी और मॉरली भी, उन्होंने उनको काफ़ी ऊपर उठाया है महिलाओं। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज़ इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।